लिए अगले 1.5 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास एक्सपर्ट कुणाल जी, सचित जी, वागले साहब, सुमित जी। तैयार हैं शरद अवस्थी साहब, जय ठक्कर साहब और साथ ही मेहुल कोठारी साहब। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत। आइए सचित जी के पास चलते हैं, उनके लिए एक बिगुल BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर आपका ट्रेड। यहाँ पर बैंक्स के बाद मुझे लग रहा है वापस आईटी में जो एक नियर टर्म वीकनेस थी वो पर्टिकुलर वीकनेस कहीं पे खत्म होते नजर आ रही है एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। HCL टेक का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, 1600-1620 के आसपास का सपोर्ट इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया एंड वहीं से एक यू टर्न बनाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। 1625 के स्टॉप लॉस के साथ HCL टेक में फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस बनाए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है एक से दो दिनों में ही लगभग अराउंड 1680 के आसपास का एक स्विंग बनेगा एंड पोजिशनली 1720 के आसपास का एक फ्रेश हाई बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो खरीदारी करनी है HCL टेक के फ्यूचर्स में। ओके, तो यह है आपके लिए HCL टेक जहां पर करनी है खरीदारी और बिगुल सच जी के लिए भी BTS डबल टी का। सच जी बताएं सर। दीपांशु यहाँ पर भारतीय एयरटेल में खरीदारी करनी है। पिछले कुछ दिनों से जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी थी उसके बावजूद भी इसने अपनी एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस काफी अच्छी तरह मेंटेन रखी थी एंड आज के सत्र में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा है बट जिस तरीके से अपने लाइफ हाई लेवल्स के आसपास है तो मुझे लग रहा है ये रैली और भी बिल्ड होगी। सो इमीडिएट बेसिस पे 1220 का टारगेट होगा, पोजिशनली 1250 का टारगेट है। खरीदारी करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1178 पे लगाना है। 1878 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल में करें खरीदारी, HDFC लाइफ में करनी है खरीदारी, यहां पर भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच को आईटी पर रखते हैं नजर, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। सचिन जी एक बार जरा परसिस्टेंट सिस्टम्स भी देखें, HCL टेक की मूव आपने अच्छी पकड़ी थी, जरा परसिस्टेंट पर भी राय दें, बाकी आईटी स्टॉक्स भी काफी एक्टिव हो रहे हैं, कोई ट्रेड बनता है इसमें? काफी सिलेक्टिव रहना चाहिए बट मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जिस तरीके से रिकवरी हुई है वो काफी कमेंडेबल है। क्लोजिंग की जरूरत है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही, अगर ये क्लोजिंग यहाँ पर रिटेन हो जाती है आज के सत्र में तो मुझे लग रहा है कल के सत्र में ही एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन बन सकती है एंड 8600 के आसपास का जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग रेजिस्टेंस है वो मुझे लग रहा है वापस एक बार रिविजिट होगा। तो यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजिशन है तो बने रहने की सलाह होगी, स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 8255 पे। ओके, तो 8255 के स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट पर रखिए नजर। चलते हैं एक बार सचिन जी के पास BTS डबल टी। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु आईटी के बाद जो और एक सेक्टर है जहाँ पर एक टर्न अराउंड नजर आ रहा है वो है मेटल्स का एंड वहाँ पर टाटा स्टील ने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। जिस तरीके से 148 के आसपास के स्विंग बनाने के बाद एक चाल बन रही है, ऑलमोस्ट अपने डेज हाई के आसपास से ट्रेंड हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड होना चाहिए। एक क्लासिक पियर्सिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 156 के आसपास का जो इसका एक न्यू टर्म स्विंग था वो वापस रिविजिट होगा। सो खरीदारी करनी है टाटा स्टील के फ्यूचर्स में, आपको स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 149.50 के आसपास लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 156 का एंड मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा एक्सटेंशन बन सकता है 160-162 तक का इन एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस। तो मुझे लग रहा है अच्छा टर्न अराउंड यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिबिट हुआ है, काफी सारे मेटल स्टॉक्स में ये रिवर्सल है तो यहाँ पर टॉप पिक होगा टाटा स्टील। और सारे मेटल्स में हमें रिवर्सल आते हुए दिख रहा है, सचिन जी ने अभी पकड़ा है टाटा स्टील को। JSPL पर भी रखिए नजर, यहां पर एक रोटेशन ऑलरेडी बन रहा है। जिंदल स्टेनलेस पर एक बार रखिए नजर, वहां पर भी आपको एक मूव आती हुई दिखी है। तो मेटल्स अब और रिकवरी में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा एक्शन यहां पर भी बढ़ रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, कुछ फाइनल स्टॉक्स पर अपडेट ले लिए जाए। बजाज ऑटो 3.5% ऊपर डेज हाई पर ये बंद हो रहा है। सचिन जी एक क्विक कॉल इसके चार्ट पर दे दीजिए सर, बायबैक के दम पर बजाज ऑटो में अच्छा एक्शन आज बनाए, क्या राय है इसके लेवल्स के लिए सर?
दीपांशु काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन ये थी कि अराउंड 8700 के आसपास के स्विंग्स बने, बट जिस तरीके से क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो रही है मुझे लग रहा है और थोड़ी सी फॉलो थ्रू एक्शन नजर आनी चाहिए। सो 8940 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स को रिटेन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है लगभग अराउंड 8540 के आसपास। तो ये आपके लिए बजाज ऑटो बायबैक का आज पहला दिन है, आज से खुला है, 13 तारीख तक खुला रहेगा। 10,000 के भाव पर हो रहा है बायबैक। टॉप गेनर है आपके लिए निफ्टी का, 3.5% ऊपर बंद हो, जबरदस्त मोमेंटम बाजार में बना है। आइए हमारे बाजार में तो अच्छा एक्शन है, सोना भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। आज थोड़ा यहाँ पर पे ब्रेक हुआ है, एक बार जरा यहाँ पर भी अपडेट ले लेते हैं और देखते हैं आगे कमोडिटी पर क्या कुछ है तैयार। नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। राइटली पॉइंट आउट किया आपने, एक अच्छा खासा रनअप दिखाने के बाद सोना चांदी यहाँ पर कूल ऑफ करते हुए दिखाई दिए, लेकिन डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी दिख रही है और आज ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के निचले स्तर के करीब है। तो सारे मेटल्स को लोअर लेवल्स पे इसका सपोर्ट मिल रहा है और मेटल्स बेस मेटल्स जो यहाँ पर थोड़े सुस्ता